दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका क्या रिप्ला चैनल में। साथ में आपके लिए खुशखबरी आ चुकी, चंदौली का आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पे जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के अंतर्गत जो है शैक्षणिक सत्र के अंतर्गत यहाँ पे जो चंदौली से जो है ये आपका भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका 10 जनवरी 2023 सॉरी 24 तक। तो यहाँ पर जो है 24 है ये 2024, मतलब 10 जनवरी 2024 को जो है आप 5 बजे तक इसके अंदर फॉर्म जमा कर सकते। वैकेंसी आपको जो है सभी पदों पर मिलेगी, आप सभी जानते हैं, लेखाकार हो गया, टीचर हो गया, इसका चपरासी, चौकीदार, रसोई, ये सब इसमें जो है भर्ती वाला फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। फॉर्म के साथ साथ जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट ये दे रखी है, और यहाँ पे जाके वाला फॉर्म आप ये जो है डाउनलोड करके जो है भर दीजिएगा। मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूँगा, यहाँ पे जो 31 दिसंबर 2023 मतलब आज है अंतिम तिथि, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा 20,146 पदों पर जो है ये, तो 10वीं पास, केवल 10th क्लास पास अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे जाके फॉर्म ये वाला जो है भर सकते हैं। मैं आपको याद दिला दूँ, आज 31 तारीख है और आज इसका जो है 12 बजे तक फॉर्म ये भरे जाएंगे, रात 12 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं ये। और यहाँ पर 20,146 पदों पर भर्ती आ चुकी है ये। एक बार मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि लेखपाल भर्ती का रिजल्ट जो है बाद में आया था, मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन दोपहर जो है 2 बजे दे दिया था। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये इसकी इन्फॉर्मेशन बाद में जो है ये इन्फॉर्मेशन आया था, और रिजल्ट ये जो बाद में आया था, मतलब क्या 8:30 बजे आपका रिजल्ट आया था लेखपाल भर्ती का, और मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन दोपहर में ही 2 बजे दे दिया, क्योंकि अधिकारी के माध्यम से पता चल गया था कि रिजल्ट डलने वाला है। अब जो लेखपाल बने हुए हैं तो उनके अंदर दिमाग में शंका रहेगी कि यार एक बार बताइएगा कि सैलरी कितना हमको जो मिलेगा इसमें जो है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, यहाँ पर जो लेखपाल का जो ग्रेड पे होता है आपका 2000 ग्रेड पे होता है, और साथ में मूल वेतन आपको 2100 रुपये 21,700 होता है इसमें। महंगाई भत्ता यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, यहाँ पर जो है ये 10,850, तो यहाँ पर सैलरी आपको मूल वेतन यहाँ पर 32,550 रुपये सैलरी बैठेगी। बाकी आपको इसमें यात्रा भत्ता मिलता है, स्टेशनरी भत्ता, मकान, ये सब इसमें मिलते हैं। ये जो है पूरी सैलरी इसके अंतर्गत आपको जो है 33,850 रुपये जो है मिलती है जो, तो यहाँ पर आप ये जो है देख सकते हैं, यहाँ पर जो इस तरीके की बीमा में कटौती आपको इसमें जो 32,550 रुपये इसमें मिलेगा, और सैलरी इसमें जो आपको बाई हैंड सैलरी यहाँ पर लिखा हुआ इन हैंड सैलरी आपको जो है सब कुछ मिला कट पिटे के जो है आपको 30,495 रुपये सैलरी इसमें जो है बीमा उमा काट के, और साथ में जो है टैक्स वगैरह काट के, NPS सब सैलरी कट के कट पिट का आपको सैलरी इन हैंड मिलेगी आपको 30,495 रुपये। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे एयरपोर्ट के अंतर्गत भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका, अमृतसर का नाम आपने सुना ही होगा, साथ में मुंबई एयरपोर्ट हो गया, अमृतसर हो गया, अहमदाबाद हो गया। यहाँ पर ये देख सकते हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट, ये सही पदों पर जो है भर्ती का विज्ञापन यहाँ पर जो है वो जारी हो चुका है, ठीक है। और साथ में आपका लखनऊ, और यहाँ पर आप ये जो देख सकते हैं यहाँ पर एयरपोर्ट यहाँ पर जो है ये यहाँ पर नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ पर जो लखनऊ का नाम आपने सुना ही होगा है ना, एयरपोर्ट लखनऊ एडवर्टीजमेंट रिक्वायरमेंट है जारी कर दिया गया है। यहाँ पर 10th क्लास पास अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, ये रहा लखनऊ एयरपोर्ट का, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ से डाउनलोड करके इसको जो है ये भर दीजिएगा फॉर्म। ऐसे आपको इंटरव्यू देना है, केवल इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन है यहाँ पर जो है, ये एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अमृतसर एयरपोर्ट का यहाँ पर 27-28 तारीख को इंटरव्यू हैगा यहाँ पर था, और यहाँ पर जो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर लखनऊ का अभी चल रहा है, तो लखनऊ से वाला फॉर्म अभी भर सकते हैं। इसके बाद तैयारी में जुटा उत्तर प्रदेश श्रम विभाग, तो यहाँ पर जो है श्रम विभाग की तरफ से ऑर्डर आ चुका है ये, तो आज तक आपने देखा ही होगा चैनल पे ये आ चुका है। यहाँ पर श्रमिकों को मिलेगा करीब 1,37,000 सैलरी, तो यहाँ पर जो श्रमिकों को जो इसमें है ना सैलरी जो मजदूरों को UP के अंतर्गत अब सैलरी है जो है 1,37,000 मिलेगी, और यहाँ पर ऑर्डर इसमें आ चुका है, यहाँ पर भी आप भी देख सकते हैं यहाँ पर जो है ऑर्डर, और ये जो है 1,37,000 सैलरी मजदूरों को जो है उत्तर प्रदेश में जो है मतलब भेजेंगे, यहाँ से आप भेजेंगे कहाँ पर, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे युद्ध के बाद इसराइल में जो है बड़ी श्रमिकों की बड़ी मांग है, मतलब जो युद्ध चल रहा था वहाँ पर इसराइल में जो है श्रमिकों की जो है मांग इसमें बढ़ चुकी है, तो यहाँ पर क्या है यहाँ पे जो भेजे जाएंगे यहाँ से इसराइल में भेजे जाएंगे, तो इनको सैलरी जो है 1,37,000 मिलेगी, यहाँ पर जो है श्रम विभाग ने जो है ब्यूरा भेज दिया इसराइल में जो है। ये बात करें यहाँ इंटर कॉलेज के अंतर्गत क्लर्क की और जो है प्योन भर्ती की, जिसने आपने ये वाला फॉर्म डाला था ये वाला, तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट इसमें बन रही है, जो अधिकारी के द्वारा जो प्राप्त हुआ है इसमें जो मेरिट लिस्ट जो है फॉर्म कल तक भरे गए थे इंटर कॉलेज में जो है ये माध्यमिक सेवा की तरफ से जो है ये साथ में एडेड कॉलेज के अंतर्गत अब इसकी जो मेरिट लिस्ट एक 2-4 दिन में जारी हो जाएगी। अगर जारी हो जाएगी तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और यहाँ पे क्लर्क भर्ती भी जो है बहुत जल्द जो सुनने में आया कि जो है नए साल पर आपको तोहफा क्लर्क भर्ती मिल जाए, जानकारी मिली है जो है बहुत जल्द आपको क्लर्क भर्ती भी जल्द इसमें होने वाली है, ठीक है। अगर मेरे चैनल पर अगर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी इन्फॉर्मेशन मैं सामने वीडियो में आपको दे दूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल के प्लस। थैंक यू वेरी मच।